वो लेगे देखेंगे तुम्हारी वेबसाइट और दस बंदों को देखेंगे मन बनाएंगे ओहो ये वो वो फलाना ना दस बंदों से देखेंगे गूगल रिव्यू देखेंगे येल्प में तुम्हारे रिव्यू देखेंगे तब जाके तुम्हारा प्रोडक्ट लेगे ठीक है तो अगर तुम्हारा हाई टिकट प्रोडक्ट है और वहां पर ये वाला बिहेवियर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है हम इसको कैटर कर सकते हैं पर अगर तुम्हारा लो टिकट है ना तो बिजनेस बहुत रिस्की जा सकता है ठीक है तुमको चिचर कस्टमर नहीं चाहिए लो टिकट के लिए खासकर क्योंकि हर एक टच पॉइंट पे पैसा लगता है डिजिटल की बात करके चल रहा हूं मैं हर एक टच पॉइंट पे पैसा लगता है तो जितना टच पॉइंट बनाओगे उतने पैसे बढ़ते चले जाएंगे अगर लो टिकट के बाद तुम्हारा कुछ टॉप ऑफ द फनल वाली चीज है कि मान के चलो मैं कुछ का प्रोडक्ट बेचूंगा फोर रुपए का बेचने के बाद हजार रुपए का बेचूंगा हजार रुपए के बाद मैं दस हजार का बेचूंगा तब तो तुम कर सकते हो अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मैं सिर्फ लो टिकट बेच बेच के ही दो सौ दो सौ रुपए की आइटम बेच बेच के जिंदगी चलाने वाला हूं तो इन लोगों से बच के रहना पर हमको मान के चलना है ये ये कस्टमर्स होते हैं क्यों समझा रहा हूं जब मैं फनल समझाऊंगा तब तुमको ये बात समझ में आएगी कि क्यों इसका लॉजिक होता है तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग डिटेल में सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और डिटेल में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमारा ज्वाइन करें दूसरे क्या है हमारी ऑडियंस वेराइटी सीकिंग और दिखाओ और दिखाओ साड़ी सूट जूते इनके अंदर लोगों का क्या लॉजिक है और दिखाओ इनको जितना वेरिएशन दिखाई दे रहा इनके लिए उतना ज्यादा अच्छा है ठीक है इनको तुम्हारी वेबसाइट पे अगर आना है तुम्हारी वेबसाइट पे इनको 200 तो सौ प्रोडक्ट चाहिए अगर इनको तुम्हारी वेबसाइट पे तीन प्रोडक्ट दिखेगी बात जाएगी नॉर्मली ये जो ऑडियंस होती है ये लो टिकट होती है अच्छी बात यह नॉर्मली एक्सेप्शन हर जगह पे हो गए Normally देखा जाता है ये लो होती है अभी जो मैंने बताया कॉम्प्लेक्स बाइंग ना कॉम्प्लेक्स बाइंग में अगर तुमको लगता है तुम्हारी वाली है तो तुमको ज्यादा ऑप्शन नहीं रखने जितने options को restrict कर सकते हो उतने काम करो क्यों क्यों बताओ हाँ हमारा जो टाइम होगा वो बहुत बढ़ जाएगा ना अब सिंपल सी बात दस ऑप्शन दिखा दिए तो भी, 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 भी अच्छा लग रहा है ये भी अच्छा वो तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर ही सोचने में ही टाइम लगा देगा और एट लास्ट क्या पता ना भी ले क्योंकि सेल एक इमोशन है हमारे को जब प्रोडक्ट लेना होता है तो हमको प्रोडक्ट लेना होता है जब नहीं लेना होता नहीं लेना होता जब वो इमोशन ट्रिगर होता है हम तब वो प्रोडक्ट ले लेते हैं अब जब वो बदने का इमोशन ट्रिगर हो रखा है मेरे को लेना है और वो कंफ्यूज है मैं ये लू ये लू ये लू ये लू क्या बस फिर मन हट गया चल वाजे देखेंगे वेराइटी सीकिंग वालों को वैरायटी चाहिए और कॉम्प्लेक्स बाइंग वालों को नहीं चाहिए थर्ड है हमारे बायर ये सबसे अच्छे बंदे होते नेक रू एज अ मार्केटर बता रहा हूं ये नेक रू होती है ये जाती है दे दो और आ जाती है जैसे मैं अब बात करके चलू मैं नेक रू <laughs> <laughs> मतलब मैं अपना दाता हूँ मेरे मैं जीन्स लेने के लिए जाता हूं मेरे पास दो ही टाइप की जीन्स होती है एक ब्लैक कलर की एक ब्लू कलर की क्लियर कट है मैं जाता हूं जैसे इसने पहन रखी है जींस ऐसी कुछ जींस उठाता हूं जानता हूं पहनता हूं फिटिंग ठीक है लेके आ जाता हूँ खत्म मतलब कुछ नहीं देखता मैं लेके आ जाता हूं सिमिलरली टी शर्ट मेरे को ब्लैक चाहिए एक मेरे को वाइट चाहिए प्लेन भी नहीं क्लियर कट अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने बीच बीच में उल्टे टशन टशन कपड़े लेने चलूठी है जैसे ये हो गया ये तो यार बहुत महंगे मेरी बीबी ने दिला दी मेरे बर्थडे पे दूसरी बार पहन रहा हूँ मैं अब इस चक्कर में इसको थोड़ा पहन पहन के निकालना पड़ेगा तभी मैं वो ना मैंने बताया ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने तो एक होती है जो मेरी बचपन से है ना पैसा लगा तो भाई यूज़ तो करना पड़ेगा नहीं यूज़ करेगा तो खराब हो जाएगा ऐसा जैसे कुर्सी है ना ये कुर्सियाँ हमारे पुराने ऑफलाइन बैच की थी मैं गोदाम पर पड़ी हुई थी एक गोदाम से उठा के मैंने यूज़ करी मैं पहले इसको यूज़ करूँगा मुझे बंद करेगा तभी नहीं लूँगा वरना नहीं लूँगा ठीक है तो ये वो है ये मान लो मेरी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज है जो बचपन से है मेरे साथ में वार होते गए बिना सोचे समझे एक स्पेसिफिक चीज ले लेते हैं और इनको ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं चाहिए इनको बस तुम दिखाओ सर ये है या आपके लिए अच्छा है ये ले लो वो क्या दे दे यार बस ठीक है अब तुमको ये समझना है लिखना है या सोचो कि तुम जो भी कंपनी में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तुम्हारे कस्टमर्स मेजोरिटी ऑफ कौन से होते हैं ठीक है लो तो टिकट में तो बिजनेस बहुत चिचड़ वाला होने वाला है तुम रोते रहोगे जिंदगी भर वेराइटी सीकिंग है तो मतलब इन्वेंट्री प्रॉब्लम आ गई तुमको ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी और इन्वेंट्री एक फ्लो प्रॉब्लम है मतलब अगर तुमको पचास प्रोडक्ट या सौ प्रोडक्ट रखने हैं हर एक की दस दस वैरायटी रखनी है तो इतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा तो इज अ कैश फ्लो प्रॉब्लम तो वैरायटी सीकिंग वाली अगर तुम्हारी ऑडियंस है तो तुमको कैश फ्लो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उस वाली के अंदर तुमको बने को सॉल्व करना है तो मतलब पहली वाली जो प्रॉब्लम है अगर टिकट साइज मतलब मार्जिन सही है मैं टिकट साइज को छोड़ के मार्जिन की बात करके चलता हूँ अगर मार्जिन सही है तो तुमको 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 तुम उस ऑडियंस को आराम से कैटर कर सकते हो बजे की जिंदगी जी हेब्युचुअल वाला तुम्हारा प्रोडक्ट है तो तुमसे अच्छी कोई जिंदगी नहीं जी ठीक है पर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर सगा नहीं ठीक है ना आटा लेने के लिए जा रहा है कोई भी दे दो चीनी लेने के लिए जा रहा है कुछ भी दे दो रिफाइंड लेने के लिए जा रहा है कुछ भी दे दो कुछ भी लड़के लड़कों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर हैब्युचुअल बायर देखे जाते हैं इतनी टेंशन पालता ही नहीं है और दूसरी साइड पे लड़कियों को देखोगे तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर या वैरायटी बाइंग बिहेवियर हूँ वो बात है कि क्या प्रोडक्ट लेना है वैरायटी सीकिंग भी है मतलब जैसे एग्जाम्पल ये कपड़े लेने के लिए ले जा रहे हैं तो वो उनको शॉपिंग कर दी है दिन भर लड़के और भाई ये लड़की में वो नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ लड़के भी ऐसे है मेरे कुछ दोस्त ऐसे रह चुके हैं जो कमर में दर्द करा रहे थे भाई घुमाते रहते दिन भर और लेके कुछ नहीं आते थे तो फिर जब वो ऐसा शॉपिंग में जाते थे मैं कहता भैया ज्यादा सामान मन निकालता लेता नहीं है ये सामान फिलवा के चला जाता है <laughs> तो ऐसे लोग होते हैं दूसरी साइड पे मतलब तुमको ये समझना है मतलब मुद्दा ये है कि तुम अपने फनल को तभी तो बना पाओगे कैसे किस वाले को फनल बना के कॉम्प्लेक्स बाइंग में हमको और टच पॉइंट पे फनल बनाना है फनल में समझ में आएगा वो वैरायटी वाला तो सीधा सी बात है वैरायटी रखनी है बात खत्म हैब्यूचुअल वाला ब्रांडिंग का खेल भी हो सकता है हेब्युचल के अंदर अगर तुम समझो तो अगर तुम ब्रांडिंग एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दो हैब्युचुअल प्रोडक्ट में तो उसको नाम रिकॉल रहेगा और वो तुम्हारा प्रोडक्ट ले लेगा या परफॉर्मेंस बेस पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है तुम उसको कह रहे ले ले जब लेना वाला ले लूंगा लूँगाब्युचुअल बाइंग दालचीनी आटा रिफाइंड ब्रेजर कई लोगों के लिए ठीक है वैरायटी सीकिंग कपड़े की दुकान वगैरह वगैरह कॉम्प्लेक्स बाइंग तुम कंप्यूटर ले रहे हो लैपटॉप ले रहे हो ठीक है हाई टिकट कोर्ट्स ले रहे हो फ़ोन ले रहे हो ठीक है uh, लड़कियों के लिए शादी का लहंगा ले रही है वहाँ पर वेराइटी वराइट, उतनी वेराइटी नहीं है देख रही हो उसके लिए बहुत सारी और भी चीज़ें हैं ठीक है ना वो वैरायटी के अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें देख रही है कॉम्प्लेक्स बाइंग वहां होगी तो अगर तुम ध्यान से पैटर्न देखोगे ना कॉम्प्लेक्स बाइंग थोड़ा सा टिकट साइज हाई होता है नॉर्मली जो बिजनेस चल रहे होंगे वो तभी चल रहे होंगे क्योंकि उन्होंने उस प्रॉब्लम को तोड़ रखा है अगर कोई लो टिकट करे तो कॉम्प्लेक्स बाइंग वाली ऑडियंस है वो बंद हो चुका होगा या फिर वो रोज रोता होगा रोज आके कहना खुदा वो वाला सीज क्या है वो लो टिकट मैं बता रहा हूं लो टिकट भी प्रिसीव्ड है पंद्रह सौ रुपए की योगा क्लास से सस्ती है पर मेरे हिसाब से वो पंद्रह सौ रुपए की योगा क्लास महंगी है ऑनलाइन हाँ तो ये जब ये वाला सीन हो रहा है ठीक तो है ना तो मतलब मेरे लिए तो महंगा प्रोडक्ट है मेरे लिए तो सस्ता नहीं है ऑनलाइन ही ले रहा है तो इसको इंक्रीज कर दो और आपका कॉस्ट भी क्या रहा है वन मतलब तू ये कह रहा है कि सस्ते प्रोडक्ट को महंगा बेचो कॉम्प्लेक्स बाइंग के लिए नहीं नहीं मैं आ, ये बोल रहा हूँ कि आ, जैसे कि अगर कॉम्प्लेक्स बाइक तो हमारी कॉस्ट तो वन टाइम फिक्स हो गई जैसे फॉर एग्जांपल योगा क्लास के लिए एक बार रिकॉर्डिंग हो गई हाँ तो ये डेली रहेगा योगा क्लास तो मतलब कॉस्ट तो हमारी एक पर्सन की जो योगा टीचर है उसके नाम से बेच सकते हैं तो जैसे शिल्पा शेट्टी ने भी अपना कोर्स निकाला था तो उसने अपने बस नाम से बेचा था उससे क्या होगा लाइक जो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है वो थोड़ा कम होगा ना Of कि मैं में गया था कोर्स के लिए मैं तीन कोर्स देखा फिर तू कॉम्प्लेक्स है बात खत्म फिर कॉम्प्लेक्स अगर तू जाके ढूंढ रहा है सबकी स्पेसिफिकेशन चेक कर रहा है ये अच्छा है मेरे लिए ये नहीं है सोच रहा है ना तो तू कॉम्प्लेक्स ज्यादा सोच नहीं रहा ना ये अच्छा लग रहा है वैरायटी खुलवा दी तू ने ये तो तू वायता है और सीधा है एनालिसिस दे दे। तो एनालिसिस होता क्या है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट तुमको एक डब्बा बनाना है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट स्ट्रेंथ क्या होती है जिम में दस किलो मारते हो तुम ये स्ट्रेंथ है तुम्हारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है यह पूछ रहा हूं ठीक है तुम्हारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने दे रखे है तुम्हारे प्राइस अच्छे हैं वगैरह वगैरह क्वालिटी अच्छी है कुछ भी है तुम्हारी वीकनेस क्या है मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है वीकनेस कैसे पता लगाई जा सकती है कैसे बिल्कुल नेगेटिव गूगल रिव्यूज तुम्हारे जहां पे भी नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं या तुम्हारा कोई सपोर्ट स्टाफ है वहां से पूछो नेगेटिव क्या आता है तुम्हारी वो वीकनेस है डिलीवरी टाइम तो कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट एक्सपायरी भी हो सकता है अपॉर्चुनिटी क्या है बिल्कुल सही पकड़ा उसने एक चीज तो है जिसने बोला जो हमारे नेगेटिव है वो हमारी अपॉर्चुनिटी है दूसरा हमारे कॉम्पिटिटर्स के नेगेटिव रिव्यूज वो वो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है है फिर हमारी स्ट्रेंथ मतलब डिपेंड करता है वो हमारी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है वो तुमको सोच रहा है कई कंपनियों ने अर्ली स्टार्ट किया उनकी वो वीकनेस थी कईयों ने अर्ली स्टार्ट किया उनकी वो स्ट्रेंथ थी ठीक है फिर अपॉर्चुनिटी हो गया थ्रेट थ्रेड क्या है वो कैसे पता लगेगी उनके पॉजिटिव रिव्यूज हमारे कॉम्पिटेटर के पॉजिटिव रिव्यूज तो देखो थ्रेड्स पहले तो हम जो भी है थ्रेड अपने दिमाग से सोचेंगे जो उनको लगता है सबसे आसान तरीका अगर तुम्हारे दिमाग में तुमको लग रहा है तुम्हारी थ्रेटी नहीं हो गई होता है ठीक है तुम बिजनेस करते हो ना तो कई लोगों के पास ना पर्दा लग जाता है क्योंकि मैं, मैं तो बेस्ट हूं मैं जो भी कर रहा हूं बेस्ट कर रहा हूं इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता तो अगर ऐसा हो रहा है तो कॉम्पिटेटर्स के नेगेटिव रिव्यू चेक करो उनके पॉजिटिव रिव्यू चेक करो तो उनको वहां से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और वो क्या अच्छा कर रहा है वो हमारे लिए थ्रेट भी है और वो क्या अच्छा नहीं कर रहा है वो हमारी ऑब्जर्वेंटी तो ये क्या है ये एक रियल क्लाइंट का डेटा है आज से मैंने दो साल पहले मैप किया था एक और ये ये जो नीचे दिखाई दे रहा है कोविड के आसपास का टाइम है ठीक है तो ये हमारा रियल का क्लाइंट का मैंने डेटा प्लॉट किया था तो एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है ठीक है जैसे हम जीते हैं मरते हैं वैसे ही प्यार होता है नहीं ऐसा नहीं होता तब जैसे हम जीते हैं मरते हैं वैसे ही प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है तो सबसे पहले प्रोडक्ट होता है डेवलप हम बनाते हैं जब हम बनाते हैं तो है नेगेटिव में होते हैं कैसे सैंपलिंग करते हैं सैंपलिंग करते हैं लोगों को बांटते हैं जैसे अभी मैं एनबीबी कर रहा हूं तो एनबीबी में मोस्ट प्रोबली से मैं नेट नेगेटिव रहूंगा ठीक है और मैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं लेकर चल रहा हमने जो सेटअप वेटअप का कॉस्ट दे रखा उसी को उसी कॉस्ट करने रहा कर तो मैं नेट नेगेटिव रहने वाला हूं तो ये डेवलपमेंट है ठीक है उसके बाद में होता है इंट्रोडक्शन फेज तो ये जो नीचे दिखाई दे रहा है दिस इज डेवलपमेंट ये हो रहा है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ पे हम अपने प्रोडक्ट को तैयार कर चुके अब हम राइट right ऑडियंस के पास उसको लेके जा रहे हैं। तो डौड़ 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 रहे तो पे ऊपर तुम डॉट 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 देख हो ना कैक इज वेरी हाई कैक का मतलब क्या हुआ मेरे पैसे कितने लगने वाले हैं तो मैं बहुत ज्यादा पैसा खर्च करूंगा स्टार्टिंग स्टेज के अंदर तो ये जो फेज है इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट यहां पे मुझे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करना जो तू वो तो स्टार्टिंग के अंदर जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो वो शायद इंट्रोडक्शन फेज के अंदर है तो उस टाइम पे कैक हाई ही रहता था। 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 उसके बाद है ग्रोथ ग्रोथ के अंदर क्या हो रहा है हमारी सेल्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है वो कब बढ़ती है जब क्लाइंट समझदार होता है पहली बात तो कंडीशन ये है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कि मैंने क्लाइंट को दस का आर दिया मैंने उसको पिछले महीने दस लाख रुपए कमा के दिए अब आइडली उसको दस लाख रुपए में से आठ लाख रुपए री करने चाहिए अगर वो करेगा तभी वो ग्रो करेगा वरना वही बैठा रहेगा ठीक है ना तो ग्रोथ की कंडीशन ये लेके चल रहे हैं यहां पर क्या होता है कैक हो जाता है थोड़ा ठीक है जैसे कि मान के चलो पहले तुमको ये प्रोडक्ट बेचने में सौ रुपए कॉस्ट आ रही थी हो सकता है वो साठ चालीस पचास रुपए तक आ रही उसके बाद है सेचुरेशन हर एक बिजनेस के साथ में होगा जैसे कुकू एफ की अभी हम बात कर रहे थे कुकू एफ ने स्टार्टिंग में इसने सेल ला दी लाके दी फिर टाइम के बाद में रुक गई क्योंकि वही सेम ऑडियंस है एक प्रोडक्ट कितने बंदों को बेच पाओगे तो ज्यादा को तो नहीं मेरे को आ, इंडिया ऑन्टरप्रिन सर्कल के अंदर सबसे बढ़िया बंदा लगता है जितिन कामत ऑनेस्ट बंदे क्यों उन्होंने कहा भाई हमारा बिजनेस हो गया है और बहुत टाइम पहले बोल दिया था उन्होंने कहा जितने लोग हैं इंडिया के अंदर जो एक्चुअली ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं वो जीरो पे है यह वो जानते हैं अब वो अगर पांच परसेंट से साल में बढ़ेंगे तो हम भी पांच परसेंट से ग्रो कर जाएंगे अब हाइपर ग्रो नहीं कर सकते हम तो हमारी वो जो वैल्यूएशन लोगों उन्होंने कॉम्पिटिटर का नाम नहीं लिया था उन्होंने बोला था जो कॉम्पिटेटर की वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड ही नहीं है कि तुम वो प्रोजेक्ट कर रहे है कि अभी हम बीस करोड़ है और पाँच साल के अंदर हम नब्बे करोड़ पहुंच जाएंगे उन्होंने कहा नब्बे करोड़ पहुंच ही नहीं सकते तुम तो ये जो तो नंबर बातें कर रहे हो ये अनजस्टिफाइड है तो जो saturation stage है ना स्टेज यही है कि हर एक बिजनेस के अंदर सैचुरेशन आता है अब पे हमारे पास में दो ऑप्शन है हो सकता है ये मैं क्यों समझा रहा हूं? कि तुम बहुत सारे लोग जो अभी कर रहे हो उनका प्रोडक्ट सेचुरेट हो गया हो अब तो तुमको लग रहा है सेचुरेट हो चुका है सेच्युरेशन के बाद क्या किया जाए नया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शुरू कर दिया जाए ठीक है प्रोडक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए या एक नई इंडस्ट्री में उतर जाया म्यूचुअल फंड में, में।, जा। जा। में अपने आप को डाइवर्सिफाई किया तो ये पार्ट ऑफ तुम कह सकते हो कि उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लाइक लाई साइकिल ही शुरू कर दिया सिमिलरली सेचुरेशन को ओवरकम करने के बहुत सारे तरीके हैं एक तरीका यह है तुम जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो थे तुम नई मार्केट चुन लो अभी जीरो था सिर्फ इंडिया में काम करता है अब तो वो ग्लोबल हो जाए ठीक है सेचुरेशन ऐसे भी मार सकता है दूसरा जो तुमने बताया प्रोडक्ट नया लाना तो हम क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट नया ले आते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट ठीक है अब यहां पे जब सेचुरेशन पे पहुंचते हो ना तुम्हारा कैक रिलेटिवली स्टेबल होता है और लो रहता है मतलब तुमको पता है फिर कोई टेंशन नहीं है भाई मैं सौ रुपये डालूंगा मेरे पास पाँच सौ रुपए आएंगे बस बात खत्म मैथ तैयार है और मैं सौ रुपये ही डालूंगा और इतने रुपए आएंगे बस बात खत्म और तुमको एक और चीज समझनी है इसके अंदर सेचुरेशन के बाद अगर तुमने पैसा और डालना शुरू किया तो क्या होगा क्या बढ़ता चला जाएगा अब मान के चलो सौ बंदे हैं जो हजार बंदे हैं पूरे इंडिया के अंदर उसमें से सौ बंदे मेरा प्रोडक्ट ले सकते हैं अब मैंने सौ बंदों का प्रोडक्ट भेज दिया

वो मतलब कंट्रोल आ चुका था अचानक ही हमारा कैक बढ़ना शुरू हो गया जैसे हम सेल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी रोज की पांच सेल आती थी दस रुपए में एक सेल हम कुछ थे अब ने कहा पांच सौ सेल चाहिए मुझे अब वो हजार सेल लाने के चक्कर में वो सत्तर रुपए हो गया यहां खराब हुआ कुछ अगर दस रुपये बारह रुपए तेरह रुपए कोई दिक्कत नहीं है जाएगा जाएगा पर दस रुपए सीधा पचास साठ सत्तर रुपये पहुंच गया और वो अनसस्टेनेबल हो गया तो दिक्कत तो अभी किसी ने बात करी थी इसी चीज के बारे में जो स्टार्टअप लॉस में है ना वो इसलिए ही है वो छोटा छोटा करके ग्रो नहीं करते उनको सीधा ग्रो यही बोल रहा था उनको सीधा ही ग्रो करना है उनको सीधा करना है भाई मैं सौ के हजार के हजार बंदे मेरे हैं तुम लो वो सौ ले चुके हैं जिनको लेना था और एक बंदे को लेने की एक साइकिल होती है तुम प्रोडक्ट को देखते हो सीधा नहीं ले लेते ना हर प्रोडक्ट को लेने का एक साइकिल होगा जब तुम्हारे को लेना होगा तुम्हारा मन है मैकबुक लेने का पर अभी तुम्हारे पास लैपटॉप पर सही चल रहा है तुम नहीं ले रहे तो मैं बेल दो साल बाद लूंगा अब तुमको बैगबुक रोज पांच छह छः छह एड दिखाएगा क्या तुम उससे ले लोगे नहीं ना तो वो बड़ी जो कंपनी है वो ये गलती कर रही है वो सेचुरेशन अचीव होने के बावजूद पैसा डाले जा रही है डाले जा रही अब यार तुम्हारा उत्तन फेस वॉश है वो जितना बिकना था वो तुमने बेच दिया अब तुम जबरदस्ती बेचने की कोशिश करो क्योंकि टैक ऊपर जाएगा एक बहुत स्मार्ट चीज करी है क्या किया है ऑफलाइन चला गया मतलब उन्होंने क्या किया नई मार्केट को एक्सप्लोर किया नई मार्केट को एक्सप्लोर किया ना पहले वो ऑनलाइन वालों को बेच रहे थे अब उन्होंने अपोलो के साथ में टाइप करके ऑफलाइन भी बेचना शुरू कर दिया तो दिस इज स्मार्ट स्ट्रेटेजी उसके बाद क्या होता है अगर तुम सेचुरेशन पे ध्यान ना दो 99% कंपनीज को पे अपना एक नया प्रोडक्ट इवॉल्व करना चाहिए नई मार्केट में इंट्रोड्यूस होना चाहिए तो अगर नहीं होते ना तो आज नहीं तो कल तुम्हारा डिक्लाइन आना ही है ठीक है और जब डिक्लाइन आना शुरू होगा तुम्हारा कैप बढ़ना शुरू हो जाएगा अब ये जो हमारा डिक्लाइन है ना हमारा क्या था लॉजिकली ये जो इंडस्ट्री है ये सेचुरेशन वाली इंडस्ट्री है ये बेकरी इंडस्ट्री है ठीक है तो हम अच्छे लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे ये जो तुमको दिख रहा है ना कोविड है ये जो है ना ये कोविड वाला एरिया है इस टाइम लॉकडाउन लग गया था पूरी गेम ओवर हो गई थी काम ही का था तो अब क्या हुआ एकदम डिक्लाइन आया अब कितनी भी कोशिश कर ले कुछ हो ही नहीं पा रहा था हमने एक लेवल के बाद में समझ भी नहीं आया करे क्या फिर हमने क्या किया वो जो इंडिया में शुरू हुआ जोमेटो साइडिया से आया था कि वो सेफ्टी नॉर्म्स लगा के स्टिकर विकर लगा के थोड़ा पैकेजिंग इंप्रूव करके उस तरीके से अपने आप को मार्केट किया हमारे डिलीवरी वाला लड़का जा रहा है मास्क लगा के जा रहा है वीडियो बना के डाल रहे हैं हम देखो किस सेफ्टी चेक से करते ये जो जोमेटो वाले कर रहे थे ना वही सेम हमने वहाँ एप्लीकेट कर दिया मतलब पूरे उसको मार्केट करना शुरू कर दिया एकदम हाइपर ग्रोथ होनी शुरू हुई क्यों बेकरी वाला अब ये मुझे कोई समझाएगा हमने प्रीवियस सेचुरेशन लेवल से ऊपर कैसे जा सकते हैं पॉसिबिलिटी है प्रीवियस सेचुरेशन लेवल से ऊपर जाने की नई मार्केट कैसे थी हम तो पहले भी यही कर रहे थे अभी भी यही कर रहे हैं कैसे कॉम्पिटिटर्स कम थे

एकदम नए लोग हमको समझ में नहीं आए कहा से आ रहे क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है और ये जो चीज थी ना यहाँ पे मान लो एक टाइम ऐसा आ गया था मतलब जैसे ही समझाता हूं तुमको तो क्या कहता दस रुपए हाई क्वालिटी के लिए चलते दस रुपए में एक प्रोडक्ट बिक रहा मान के चलते हैं यहाँ पे इस सिचुएशन पे यहां पे वो पहुंचते पहुंचते साठ सत्तर रुपये पहुंच गया और हमको समझ आया भाई ये सस्टेनेबल नहीं है इट्स बेटर कि रोक दिया जाए हमने रोक दिया उसके बाद ये ग्रोथ हैक लगाया कि पैकेजिंग वैकेजिंग इंप्रूव करके चलो ऐसा कुछ करके देखते हैं फिर हमने करना शुरू किया तो हमने पहले बीटा टेस्ट करके देखा छोटे बजट के साथ में कि चल करके देखते क्या होता है हमको पता लगा हो गया स्केल अब क्लाइंट खुला हुआ था उसको समझ में आता है सब कुछ तो पहले उसका मान लो दस लाख का बजट था उसने कहा दस लाख लगा था वही सेम बजट पे आ जाते हैं हम वही सेम बजट पे आए तो हमारा कैक जो पहले मान लो चालीस रुपये था अब वो दस रुपये हो गया हमारे मतलब ऑर्डर वॉल्यूम तीन चार गुना हो गई सेम रेट पर वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा उसने कभी उतना ऑपरेशन ही नहीं देखा ये क्या हुआ मतलब ये सोचो ना तुम 25 दि दिन से बिल्ले बैठे हो काम ही नहीं है और तुमने फिर अचानक काम शुरू किया और काम इतना आ गया जो तुमने प्रीवियसली कभी हैंडल नहीं किया वो सीन हो गया था तो हमको मान ले उसके बजट कम करने पड़ गए थे ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और यही सिचुएशन अब क्रिएट हो सकती है ये अभी जो तुमको दिख रहा है ना ये कोविड है ना ये ए है ये मान के चलो मैं समझा रहा हूं क्या हो रहा है यूरोपियन यूनियन ने लेनी देनी कर दी है डिजिटल मार्केटिंग की सबसे गंदी चीज है यूरोपियन यूनियन ठीक है मतलब एक डिजिटल मार्केटर हमेशा चाहता है कि यूरोपियन यूनियन को चपले चपले मारी जाए क्योंकि हमारा पूरी जिंदगी खराब कर दी उन्होंने पहले मैसेंजर मार्केटिंग हुआ करती थी थी ठीक है उसमें आप मैसेज मैसेंजर में कुछ भी भेजो तूने बस एक बार ऑप्टन कर लिया ना अब मैं तेरे को रोज भेजूंगा सौ बार तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अब यूरोपियन यूनियन ने कहा भाई तू पहले उससे परमिशन लेगा मैं तेरे को एक बार भेजूंगा फिर तू भेज दियो फिर अगले के लिए तू फिर परमिशन लियो अब एज अ मार्केटर बहुत कंज्यूमर बहुत अच्छी चीज है पर एज अ मार्केटर बहुत बेकार चीज है ठीक है सिमिलरली एक बहुत बड़ी चीज हुई है कुछ दस पंद्रह दिन पहले वो ये हुआ है अगर तुम फेसबुक यूज करते हो तो फेसबुक के अंदर अब ऑप्शन आ रहा है कि तुम चाहते हो कि तुमको पर्सनलाइज एड्स ना दिखाई दे देखा किसी ने इसका मतलब समझ रहे हो ट्रैकिंग खत्म तुम री मार्केटिंग कर ही नहीं सकते पिक्सल का मतलब ही खत्म बेस्ड टारगेटिंग का मतलब ही खत्म अब क्या होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एड दिखाई देगी बस बात कहता हूं डेमोग्राफिक्स वाइज तुम टारगेट कर सकते हो या कुछ कर सकते हो अब वो क्वालिटी खत्म होती चली जाएगी तो सबसे बड़ा फेसबुक एड का जो गदर मचा था वो बचा था एप्पल आईओएस अपडेट के बाद ठीक है जब उन्होंने ट्रैकिंग को डिसेबल कर दिया था आई यूएस डिवाइस में पर उसका लूपहोल निकल गया था पर ये जो चीज करी है ना ये एक खतरनाक चीज है जो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है आर नहीं आएगा और बहुत ध्यान से बात समझना इस बात को जो समझा रहा हूं फेसबुक एड पर आर नहीं आएगा एस में आर आएगा नहीं आएगा ए आ गया है तो ऊपर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ए से आ रहे हैं तो पहले क्या होता था पहले मैं क्या कहता था बेकरी की बात करके चलते हैं तो तुम सर्च मारते थे पहले आ, कि बेस्ट डैश बेकरी नियर मी या टॉप टेन बेकरी इन डैश एरिया तो हमारा ब्लॉग आता था, था तुम्हारे ब्लॉग पे लैंड करते थे ब्लॉग पे लैंड करने के बाद तुम देखते थे अब मेरे पास पिक्सल पे तुम आ चुके हो अब मैं पिक्सल पे तुमको ऐड दिखाता था कि भाई देख मेरी बेकरी ऑर्डर कर ले कर तो कहते यार ये तो वहां पर भी देखा था ये बड़े लोग है चलो इससे ऑर्डर कर ले तो, तो हमेशा मार्केटिंग फनल इसी तरीके से काम करता था जो बहुत अच्छे रिटर्न देता था अब तुम्हारे पास ऊपर पे ही रिजल्ट आ जाएगी टॉप पे तुम क्यों जाओगे अंदर सर्च मारोगे बेस्ट बेकरी ऊपर आ जाएगी पांच बेकरी खत्म पहले तुम सर्च मारते थे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या आई ओन अ क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी हाउ आई कैन ग्रो माय बिजनेस यूज इन डिजिटल मार्केटिंग अब तुमको ये रिजल्ट ऊपर दे, दे देगा तुम क्यों ऊपर हुए कुछ एससीओ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है अब देखते हैं कि कैसे इंपैक्ट पड़ेगा तीन चार महीने में मैं भी अभी बहुत एनालाइज कर रहा हूं इस चीज को तीन चार महीने में समझ में आएगा किस डायरेक्शन में जा रहा है क्या बच गया गूगल एड्स तो क्या होगा जो एसओ हो का बजट है वो भी गूगल एड्स में जाएगा जो फेसबुक का बजट है वो भी गूगल एड्स में जाएगा तो सीपीसी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है थिंक तो मतलब ये टाइम है क्योंकि अभी मैं तुमको बता रहा हूं बहुत सारे लोग हमको देख रहे हैं जो देख रहे हैं उन्हीं को ये बात पता लग रही है मेरे बहुत बड़े बड़े एजेंसी ओनर से भी बात कर ली उनको बात समझ में नहीं आ रही है कि कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है तो अभी मान के चलो छः आठ महीने ब्रांडिंग एक्टिविटी करो मतलब अभी मजा कर लो जितना करना है ऑडियंस गेन कर लो कुछ सब कुछ कर लो जो करना है जो भी करना है अभी कर लो बाद में नहीं होगा बाद में महंगा होगा मतलब मैं उस टाइम से इंडिया में एड्स देख रहा हूं जब पैसों में हमने एड रन करी है मतलब एक क्लिक के पैसे जाते थे आज एक क्लिक पांच छह रुपए तक आता है एवरेज हर एक कैटेगरी की बात करके चल रहा हूं सौ 150 डेढ़ सौ दो सौ रुपए भी आते हैं पर एवरेज मान के चले तो इतने रुपए आता है वर्सेस अगर हम बात करके चले फ्यूचर की हो सकता है पचास रुपए तक भी जाए क्या करोगे तो इट्स बेटर कि अभी एक्वायर करते तो अभी फायदा क्या होगा अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो क्या है तुमने मेरा प्रोडक्ट अभी ले लिया ना मेरे पास तुम्हारा नंबर भी आ गया तुम्हारा ई मेल आई डी भी आ गया अब मेरे को इसमें तो बिगाड़ नहीं सकता ठीक है अभी गवर्नमेंट ने जो नए रूल्स निकाले हैं ना आज फ्यूचर के अंदर लोगों को मुझे ऐसा तो लगता है पैटर्न चेंज हो जाएगा नंबर चेंज करने का और टाइम पहले एक ट्रेंड था नई सिम मिलते थे फेंक देते थे नई सिम लेते थे फेंक देते आज यू पी आई यू पी आने की वजह से ना ये जो चीज़ें आई है इसकी वजह से लोग नंबर उतना ज़्यादा स्विच नहीं करते तो नंबर हमारे पास आ गया नंबर हमारे पास है नंबर पर हम व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं नंबर पर मैसेज मार्केटिंग कर सकते हैं ई हमारे पास ई मार्केटिंग कर सकते हैं सब कुछ बंद भी हो जाएगा तो हमारे पास ये तो एटलीस्ट रहेगी तो इट बेटर की अभी वो टॉप फनल बढ़ा बढ़ा एक्विजिशन अभी जब फनल बढ़ेगा तब तो बताऊंगा कि क्या बात कर रहा हूँ तो अभी गोल ये है हमारा कि वो हमको जितनी ऑडियंस ला सकते हो ले आओ तो ये जो अभी वर्कशॉप्स कर रहे हैं सस्ती वर्कशॉप्स फ्री कोर्सेज फ्री सब कुछ इसका लॉजिक है टॉप ऑफ द फनल इकट्ठी करनी है मेरे पास में एक अच्छा डेटा बैंक होना चाहिए जिनको मैं फ्यूचर में कभी भी मन करे मेरा प्रोडक्ट कुछ भी बनाने का मैं कह रहा हूँ कि मैं एक आई डिजिटल मार्केटिंग टूल बनाने वाला हूँ तो मुझे वो टूल जब बनाऊंगा दो दो साल के बाद में बहुत खर्चा आएगा ऐड करने का इट्स बेटर कि मैं अभी ऑडियंस इकट्ठी करके दो साल के बाद उनको सीधा भेज दूंगा तो मैं उस गोल के ऊपर जा रहा हूँ ये मेरा एक्चुअल स्वार्थ वाला गोल आ, एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉम्पिटेटर एनालिसिस ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एनालिसिस करना है अपने कॉम्पिटर को समझने की कोशिश करनी है कॉम्पिटर डेफिनेशन क्या है अभी हमने बात करी थी गूगल रिव्यूज की आपको उनके गूगल रिव्यूज चाटने फेसबुक अगर वो यूज करते हैं फेसबुक रिव्यूज चाटने हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं तो इंस्टाग्राम पे कमेंट चेक करनी है कि क्या कमेंटे आ रही है ठीक है किस टाइप का वो कंटेंट डाल रहे हैं किस टाइप की वो वीडियोस डाल रहे हैं अगर उनकी वेबसाइट है तो उनकी वेबसाइट में वो क्या क्या बेच रहे हैं एक 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 बहुत स्मार्ट चीज बताता उनको कंपनी के जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो उनके लैंडिंग पेज पे कहीं टॉप पे ही होते हैं ठीक है तो वहां से तुमको पता लग जाएगा कंपनी के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या है भी हुआ तो मुझे समझ में नहीं आता क्या क्या देखो एज अ मार्केटर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तुम कोई भी सर्च टूल के ऊपर चले जाओ उस वेबसाइट देख लो जो टॉप ट्रैफिक वाली साइट होगी तुमको पता लग जाएगा पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पे हम स्मार्टली क्या करने वाले हैं हम वेबसाइट का ट्रैफिक एनालाइज करेंगे और देखेंगे उनकी टॉप साइट कौन सी कौन सी है पर तुम डिडोरा पीट के बेल दो भाई मेरे ये तीन टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है

आपको एड्स दिखाई देगी आपको सर्च रिजल्ट दिखाई देंगे समझ में आ जाएगा ये ये वो बेच रहे हैं तो ये हमारे कॉम्पिटेटर है कॉम्पिटेटर का ओवरव्यू करना है अब देखो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें तुम शायद नहीं निकाल पाओगे मार्केट शेयर निकाल सकते हो तो बढ़िया है इसके लिए मतलब कीवर्ड रिसर्च वाला सीन आता है तुमको तो, तो अच्छी बात है कि तुम देख सकते हो कि इसकी कीवर्ड वॉल्यूम कितनी और कितना परसेंट ये मार्केट शेयर लेके बैठा तो बात अलग है पर अगर नहीं पता तो अभी के लिए बेसिक लेवल पे कम्प्य रिसर्च कर लो कम्पिटेटर क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच रहा है तुम वो बेच रहे हो या नहीं बेच रहे तुम ऐसा रियलाइज करोगे कि जो तुम बेच रहे हो वो तो वो बेच ही रहा है साथ में एक दो चीजें और बेच रहा है जो तुम भी बेच सकते हो और बहुत कॉमन सेंस वाली चीज होगी तो तुमको पता ही नहीं होगी ठीक है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है क्या तुम उसको कॉपी मार सकते हो जरूरी नहीं है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को कॉपी मारना है ठीक है मैं जो कोर्स बेच रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का वन ऑफ द एक्सपेंसिव में से एक है ठीक है इंडिया के अंदर से कंपेयर नहीं कर रहे बाहर वाले तो अलग ही अना, रेट में भी, है। इनका भी करना है का भी दो तीन पकड़ो उसके कर ये पढ़ा है, है, है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी बात है तुम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पता तो सोचो वही है ना अगर तुम देखोगे हमने अपने फेसबुक एड्स के ऊपर

यार, लड़का लेता है जो दिल्ली में रख एज ग्रुप होना चाहिए 18 से 24 ठीक है और पॉकेट मनी तो मिलती है फ्रीलांसिंग भी करता होगा कभी कभार ठीक है ऐसे ऐसे मतलब जो भी टच पॉइंट सोच पा रहा है वैसे कुछ भी गाने लिखो कुछ तो पॉइंटर्स लिखो अपनी ऑडियंस का जितना तुम्हारे दिमाग में आ रहा है फाइन आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स मतलब मेरी ऑडियंस ये है ऐसे ड्यू मेरी ऑडियंस वो है जो इस एज ग्रुप में आते जो मेल है जो डैश है जो डैश है मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ करेक्टर सिक्स होनी चाहिए मेरी ऑडियंस शाहरुख खान नहीं है शाहरुख खान की वो करेक्टर क्या है वो सोचनी है उसके बाद में हमको अपनी गोल स्टेटमेंट बनानी है ठीक है मिशन विजन को मिला के उसके बाद में हमको अपनी पोजिशनिंग स्टेटमेंट बनानी है पोजिशनिंग uh, क्या होती है समझा देता हम लोगों के दिमाग में अपना थॉट क्या डालना चाहते मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोचे प्रिसीड वैल्यू जो बात करी थी ना दैट इज मान देट तो तुम क्या पोजिशनिंग करना चाहते हो अपनी ऑडियंस में फाइनेंशियल सबसे सस्ते सबसे महंगे एक ऐप बनी थी एंड्रॉइड के अंदर आई एम रिच कुछ भी नहीं करती थी बस डायमंड आता था, था ये मैंने क्रैक्ट डाउनलोड करी थी फिर रिलेशनल वैल्यू कि तो भाई अगर हमारा प्रोडक्ट लोगे तो हमारे साथ जुड़ जाओगे ठीक है इमोशनल वैल्यू हम बच्चों को रोजगार देते हैं नहीं देते है भाई इीगल है हम बच्चों को पढ़ाई कराते हैं ठीक है परफॉर्मेंस वैल्यू हमारा लैपटॉप ले लो मक्खन चलता है बहुत मजा आएगा तो ऐसी चीज है कुछ भी ये चार लॉजिकली देखा जाए तो कोई भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो इन चारों के अंदर ही होती ये चारों में से देख लो तो फिर अगर तुम्हारी करेंटली कोई पोजिशनिंग बन रखी है और अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बाद तुमको लगता है यार मैं कुछ गलत कर रहा हूं मुझे कुछ पोजिशनिंग में चेंज करना चाहिए तो अपनी नई पोजिशनिंग करो अगर नहीं बना रहे हो तो वो आपके लिए पहले सही है वरना नहीं बने